जोन से विजन इसके बाद तो सीन ऐसे था कि वो जोन ऊपर भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था एंड हम लोग ने वो ब्रिज के लेफ्ट साइड का घर सब कैप्चर करके रखा था। यार कौन से मैच में गए थे बोल बताना मुझे, क्लिप में देख ही लेता हूं। वो टाइम पे वो एक बंदे का गाड़ी टावर पे आया था तो हमको वहाँ पे इमीडिएट फाइट नहीं, कौन से मैच का एक बार मुझे बताना दे रहे थे, मतलब वी डोंट वांटेड टू फाइट एंड उसके बाद वी वर वेटिंग फॉर द जोन। वो टाइम पे सोल का भी गाड़ी आ गया ना, सो मतलब वो फायर तो करने था, वो जो सोल का जो गाड़ी आ रहा था ना वो फाइट लेना ही था हमको, वो मिस नहीं कर सकते थे, बट वो GDR का जो फाइट था ना अवॉइड कर सकते थे, तो अवॉइड करने के लिए गया था बिकॉज अभी लास्ट डे भी है और हम लोग को टॉप टू तो आना ही था। हर कोई यार टॉप टू के लिए खेलना तो बात है। के साथ हम लोग सदन के तरफ ही जा चुका है सर्कल। अच्छा ये बोल रहे हो तुम पुश इवन फर्दर रूम को जाना ही पड़ेगा मिलिट्री बेस की तरफ। ऑलराइट ये तुम बोल रहे हो, ग्लेडिएटर्स को स्पॉट आउट तो कर दिए थे एंड ग्लेडिएटर्स रियलाइज करते हुए कि ये जो जोन है मेजॉरिटी चांस है, इसमें क्या मैं बनाऊं, इसमें मैं क्या कमेंट करूं भाई, समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा समझ से परे था। लाइक अब देखिएगा किस प्रकार जाने तो नहीं देना चाहिए था भाई, जाने तो नहीं देना चाहिए था। वैसे एवरीबॉडी विल बी स्वार्मिंग एंड माइग्रेटिंग इनसाइड द